देखिए सर, ऐसा है कि ये ट्रांसपोर्ट वाले जो सिविल ट्रांसपोर्ट वाले हैं ना, ये बहुत ज़्यादा बदतमीजी कर रहे हैं हमारी गाड़ियों के साथ। उनको दिक्कत आ रही है हमारी गाड़ियों के साथ, वो कोई और भी तो प्रोसीजर ले सकते हैं। इसका कोई तरीका है काम करने का? ड्राइवर को और गाड़ी को नुकसान पहुँचाना और कनेक्टिंग की पिटाई करना, ये कहाँ का तरीका हुआ? अगर उनको दिक्कत आ रही है, हमारा ऑफिस है भगवती नगर में, वहाँ जाओ, डीसी साहब के पास जाएँ, डीसी टूरिज्म के पास जाएँ, कमिश्नर के पास जाएँ। कनेक्टर को मारने का क्या मतलब है? अभी हमारे को वो बंदा चाहिए जिसने कनेक्टर को मारा है और जिसने जो गाड़ी को नुकसान करते हैं। FIR होगी, बंदा अरेस्ट होगा, तभी हम प्रोटेक्ट छोड़ेंगे। देखिए सर, ये आ रही है कि हमारी गाड़ियों का शेड्यूल है, प्रॉपर शेड्यूल है, प्रॉपर डिसिप्लिन से गाड़ी चलती है, टाइमली गाड़ी चलती है, कोई पैसेंजर लेट नहीं होता है। जब पैसेंजर को ये चीज़ मिल रही है तो ऑटोमेटिकली हमारी गाड़ी में बैठेगा। अभी उनको ये दिक्कत आ रही है कि ये सवारियाँ क्यों उठा रहे हैं, क्या करें हम बताइए? इसके लिए क्या कर सकते हैं हम, आप ये बताइए। मार खाएं से, आज एक को मारा है, कल दूसरे को मारेंगे, परसों तीसरे को मारेंगे। है हमारे को इनके खिलाफ, सिविल ट्रांसपोर्ट के खिलाफ हमारे को एक सर्टिफाइड लेटर चाहिए अगेंस्ट। जो हमारी गाड़ियां हैं स्मार्ट सिटी की गाड़ियां हैं, गवर्नमेंट की गाड़ियां हैं, 87 लाख की गाड़ी है ये, और पब्लिक इतना पसंद कर रही है, इतना पसंद कर रही है, मारने का क्या मतलब है? नहीं सर, दूसरे प्राइवेट बसों वालों बसे वाले रोज एक दिन छोड़ के, दो दिन छोड़ के किसी मारते हैं। बड़े दिन का ड्रामा चल रहा है सर, चार चार पाँच पाँच दिन हो गया इनको मारते हुए सर। कोई हमें कोई क्या वजह नहीं जो आपके साथ मारपीट हो रही है सर? कोई नहीं वजह यही है, ये सोच रहे हैं कि जी ये ज्यादा सवारी ले रहे हैं, इनका सवारी नहीं बन रही हुई सर। जिसको मारा उसने बेचारे रोजे रखे हुए हैं, ऐसे मारा सर। एक रोज चलता सर, चार दिन पहले ही मारा था। गुंडा करती रोज, तीसरे दिन चल रही है सर सवारी, चोरी में जॉब कर रहे हैं, क्या फायदा? किसी को मार देते हैं सर। है कोई 70 बसें चल रही है हमारी गाड़ी, टोटल जम्मू में कोई नहीं चलेगी। अभी कोई मसला हमारा, जब तक सर हमारा कोई मसला हुए कुछ नहीं, ना पुलिस आई है ना कुछ। अभी आई है पुलिस 3 घंटे के बाद सर, अभी आई है। अब बस ड्राइवर और कंडक्टर तभी सभी साथ में चलेंगे, बसें तभी चलेंगे जब तक कोई मसला हल होगा। कंडक्टर को मारा वो कहाँ पे? वो हॉस्पिटल में है, और जिसने मारा वो भाग गया। वो भाग गया सर, पुलिस कुछ नहीं कर रही है। आपको प्रशासन से क्या मदद चाहिए? कुछ मदद यही मदद चाहिए सर, जब तक मसला हल नहीं होता तब तक हम कुछ ई बसें नहीं चलाएंगे, तब तक ड्राइवर और कंडक्टर नहीं चलाएंगे। पहले भी मारा था वो भी, 3-4 दिन हो गए मारते हुए, अंदर उनको अंदर लेके गए, फिर कोई 1 घंटा नहीं हुआ सर, वो घर पे बैठा था। जनता से सर, पब्लिक हमारे साथ है पूरी, कोई उनको परेशानी नहीं है हमारे साथ। पब्लिक को पूछ लो सर, पब्लिक को पूछ सकते हो हमारी गाड़ी से परेशानी हो गई। हमें टॉप सुबह मिलती है इन गाड़ियों से, कोई प्रॉब्लम नहीं, 40 से ऊपर जाते नहीं है, इज्जत देते हैं लोग, गाली ग्लोज दे और कुछ नहीं। हम चाहते हैं ये गाड़ी चले, इसीलिए कश्मीर पढ़ अशोक पढ़ मेरा नाम है, ये भी चले और आराम से चले। हमें सर कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी चले आराम से, प्राइवेट भी चले, हमें कोई दिक्कत नहीं। हम तो अपनी नौकरी कर रहे हैं, हमारी सैलरी है, हमें नौकरी पे आए हुए हैं, हम कोई अपनी बसेस को ना हमारी जो हम चला रहे हैं, हम तो गवर्नमेंट की तरफ से आए हुए हैं ना।